गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट और उसके इफेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वह है चार्ज। अगर हम चार्ज को नहीं जान पाते हैं तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स को हम समझ ही नहीं पाएंगे, इसके बारे में हम को नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो क्या है? चार्ज। आज हम लोग क्या करेंगे, चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और चार्ज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज? एनीबडी एल्स, चार्ज क्या होता है? चार्ज का जो मतलब है, चार्ज का जो डेफिनेशन है, वो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज द, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? चार्ज। चार्ज को आप डिफाइन कर सकते हो कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक, चार्ज इज द इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का वह आंतरिक गुण है जो उसके अंदर विद्यमान रहता है। अब यह डिटरमाइन हमको करना है कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा बॉडी निगेटिवली चार्ज है, या किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, या उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। लेट वी सी एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, तीन बॉडी हमारे पास है। हमने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा है या बचपन में हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। हमने ये माना कि इस बॉडी के अंदर 18 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 18 प्लस चार्ज है और माइनस 16 चार्ज है। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव 2। तो हम ये बोलेंगे कि द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। फिर ये बॉडी हमारा सेकेंड बॉडी है। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर 16 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्लस 16 और इलेक्ट्रॉन माइनस 18, वैल्यू कितना आया? -2। तो हम ये बोलेंगे कि बॉडी क्या है? निगेटिवली चार्ज है। क्या है? बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड। अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी के अंदर 18 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज प्लस 18 एंड माइनस 18, नेट चार्ज इक्वल टू 0। देन वी से दैट द बॉडी इज न्यूट्रल एंड इस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा निगेटिवली चार्ज है, या इसके ऊपर क्या कोई चार्ज नहीं है। तो द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द बॉडी इज पॉजिटिवली, निगेटिवली और न्यूट्रल। ओके, फिर हम चलेंगे कि किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको अब क्या बोलते हैं, उसका क्वांटिटी, कितनी मात्रा में चार्ज वहाँ प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे 18 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना है? +2 कूलम्ब चार्ज है यहाँ पे है।
क्यू इज इक्वल टू प्लस टू सी, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस टू चार्ज है, तो इसके क्वांटिटी को बताता है। तो हमारा एक टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज का क्वांटिटी प्रेजेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो हम चलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट टॉपिक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज means the quantity of charge present in the body. We can define it. हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो छोटा चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, जैसे कि आप इसको ऐसे ले लो कि एक बिस्किट का डब्बा है, इसमें 12 बिस्किट है या 12 बिस्किट है, तो एक बिस्किट का वह 12 गुना होगा टोटल बिस्किट। जैसे ये 12 बिस्किट इसमें है तो एक बिस्किट का क्या होगा, 12 टाइम्स होगा टोटल बिस्किट। तो हम ये बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि इस बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा चार्ज है उसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि ई हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्री चार्ज। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बोला एलिमेंट्री चार्ज, हमने यहाँ पे बोला कि इस बिस्किट के अंदर टोटल बिस्किट कितना 12, तो एन मतलब हुआ नंबर, तो यहाँ पे 12 इंटू क्या था, 1 था, 12 इंटू क्या था, 1 था, यानी कि सबसे छोटा बिस्किट क्या था, 1 था, उसका 12 टाइम्स क्या था टोटल बिस्किट इन अ पैकेट। तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि जो छोटा चार्ज इसके अंदर है उसका एन मल्टीपल, एन मतलब हुआ नंबर, अब कितना है हमको पता नहीं, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम डिफाइन करके लिख सकते हैं द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। देखिए द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को आप यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब एक, वन कोलम्ब, क्या बोल सकते हैं, वन कोलम्ब, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज, है ना। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक वन कोलम्ब ऑफ चार्ज, है ना। यूनिट चार्ज कहने का ये मतलब है कि एलिमेंट्री चार्ज, है ना। तो अगर हम ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक या इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम्ब चार्ज में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -1.6 इंटू 10^-19 कोलम्ब ऑफ चार्ज। कोलम्ब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोलम्ब क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज का, मैं उस पर चलूंगा, है ना। कोलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि सबसे छोटा चार्ज,
सबसे छोटा चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, एंड इसका वैल्यू क्या है, 1.-1.6 इंटू 10^-19 कोलम्ब, जो सबसे छोटा यूनिट चार्ज है जो किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी का जो मल्टीपल होगा, यानी कि वो 5000 है या 5 लाख है या 50 गुना है या 5 है, वो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, है ना, वो उसका नंबर हुआ ये। ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी के कुल। ये क्वेश्चन क्लास 10th में दिया हुआ है, NCERT के बुक में दिया हुआ, वर्कशीट में दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक या इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चे देखो यहाँ पे टोटल चार्ज बॉडी का कितना है 1 कूलम्ब, और आपसे n पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, और एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू आपको पता है -1.6 × 10^-19 कूलम्ब। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ±ne, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e मतलब एलिमेंट्री चार्ज। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे वर्क करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए Q = ne, तो Q = ne ± को छोड़ दो, Q -- क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके उसको छोड़ो, n का वैल्यू n पता नहीं है आपको, इसका वैल्यू 1.6 × 10^-19 कोलम्ब, और टोटल चार्ज क्या है बॉडी पे 1 कोलम्ब है, तो कोलम्ब कोलम्ब क्या हुआ, कट गया। अब ये वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वेशन की तरह तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, है ना, तो 1/1.6 × 10^-19 = n। ये 10^-19 ऊपर चला जाएगा तो एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, 10^+1.6 = n, तो n का वैल्यू ये 10, ये पॉइंट जाएगा, 10 जाएगा ऊपर, तो 10 × 1 दे दो इसको, ये 10^18 हो जाएगा। 1.6 का ये 10 है, ये 19 से ये 10 इसको एक दे दिया, तो कितना बचा, 10^18/16। मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज 10 को 16 डिवाइड नहीं करता, इसलिए एक 10 इससे ले लिए हैं, तो ये 100 हो गया, 100/16 क्या हुआ, 16 से डिविजिबल हो जाएगा आसानी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 × 10^18/16 = n, 16 से डिवाइड करो 100 को, 16 × 6 = 96, 4 × 0 = 16, 2 कितना 32, 8 × 16 = 5 = 80, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कुछ चार्ज के टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमको मेनली 12th में पढ़ना है चार्ज के टॉपिक्स को, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि पहला है हमारा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज हमारा क्या है, एडिबल है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जैसे कि ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 ... बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, तो द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज Q1 + Q2 + Q3 ... फिर चार्ज के बारे में एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज बॉडी पे प्रेजेंट होता है वह क्या होता है, कंजर्व होता है, रहा कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज कंजर्व, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। फिर हम पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब प्रॉपर्टीज है चार्ज के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब।